गाइस, जियो स्टूडियोज की तरफ से लापता लेडीज का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, आइए उसको देखते हैं। 1, 2, 3 आमिर खान प्रोडक्शन। ओ आमिर सर के क्या शादी हो रही नहीं? इसको क्या ठीक तो लग रहे थे दीपक कुमार, कल रात को विदा करा के वापस लौटा। अच्छा ये रास्ता में इसकी बीबी खो गई। बीबी खो गई कैसे हुए? मन्ने साथ ट्राई कर रहे हैं, ससुरी खोई है नहीं रही। अरे भाई रवि किशन भाई साहब। यही है ऐसा दुर्घटना तो पहली बार सुने। एक से एक कैरेक्टर जिसको हम अपने साथ ले आया हूं, वो हमारी दुल्हन भूल नहीं थी। भूल नहीं उस पर आनी पे तो नजर रखना पड़े। विजय का फोटो लो और आसपास के सब थाने में भिजवाइए। बिना घूंघट के फोटो नहीं खिंचवाएंगे, बदनामी होगी। स्वागत मना लिया, गहना उतरवा लिया, तोरा से पीछा छुड़ा लिया, अब काहे खोजता है लोग? आप भरोसा रखिए ना दादी। तुरा भरोसा हम काहे रखे भाई। मन करता है अरे तो पंचायत वाला है। पंचायत वाला है। कॉमेडी है टोटल। फोटो लाए हो? हाँ सर लाए हैं, इकलौता फोटो है, शादी का दिन खिंचवाए थे। चलो अब मिल जाएगी फोटो, पहले देना चाहिए। गाइस ट्रेलर तो सिंपल सा सीधा साधा सा है, जो कि आप लोग देख के पता कुछ तो पता चल ही गया होगा। ये जहाँ पे एक लड़का रहता है, उसकी शादी होती है, शादी होने के बाद घर पे आ रहा है तो घूंघट उठा रहा है अपनी पत्नी का पूजन वगैरह आरती वगैरह के लिए। तो पता चल रहा है उसको कि वो उसकी पत्नी ही नहीं, उसकी पत्नी मतलब खो गई है। अब कैसे ये अदला बदली हुई है, यही पूरा टोटल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगी ये पूरी की पूरी मूवी। और उसी अदला बदली के चक्कर के बीच में कॉमेडी है। और जो ये नई वाली लड़की आई है ना, वो पता नहीं कुछ कहाँ से आई है। रवि किशन साहब पान खा के जो मतलब क्या एक्टिंग, मतलब बिल्कुल रियल लग रहा है, जैसे रियल लोग होते हैं पान खा के, इसे बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं रवि किशन जी। और जो एक्टर है, और पंचायत का आपने देखा होगा जो विनोद को बोलता है, वो पंचायत का वो भी इसमें है, उसको तो आप लोग जानते हैं कितनी बढ़िया एक्टिंग करता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पूरी कॉमेडी पे बेस्ड मूवी होने वाली है। तो गाइज ये मूवी जो है ना, वो कॉमेडी के साथ साथ एक जो हमारे समाज में एक प्रथा चल रही है, उस प्रथा पे भी काफ़ी गहरा चोट मारती है। जैसा कि आप लोग समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो घूंघट प्रथा है, घूंघट प्रथा पे लेके भी ये एक अभियान के जैसी एक मूवी है। ये घूंघट प्रथा कैसे, फोटो जब दिखाता है तो फोटो उसकी नहीं होती, उसकी बीवी की घूंघट की होती है। और जो लड़की होती है वो बोलते हैं कि समाज में हमारी इज्जत उछल जाएगी अगर घूंघट के अलावा घूंघट हटा के हम फोटो खिंचवाएंगे। तो गाइज ऐसी हंसी ठहाके वाली मूवी भी आती रहनी चाहिए, जैसा कि जियो स्टूडियोज ला रहा है। मूवी भी काफ़ी शानदार होगी, मेन स्टोरी तो यही होने वाली है, बाकी आप लोग तो समझ गए होंगे। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।